दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी लेस की सहायता से कुर्ती का नेक डिजाइन कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैंने ये बुकरम लिया है और ये मैंने सलवार का क्लॉथ है और ये मैंने टॉप कट कर लिया है साइज के अनुसार। तो अभी आपको इसका बुकरम पर नेक कटिंग करके बताऊंगी कि आपको किस तरह डिजाइन डालनी है। तो बुकरम की लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ सबसे पहले। तो देखिए ये 16 इंच के आसपास इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई ली है वो मैंने 6 इंच के आसपास ली है। और जो ये नेक रहेगा ये बोट नेक में रहेगा। तो जितना आपको नेक हमको चाहिए उतना पीस रख लेते हैं, साइड का पीस कट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा है। तो अभी तैयार में ये 12 इंच हो गया है, डबल में 6 इंच। तो ये बोट नेक में रहेगा। तो ये शोल्डर से मैं 3.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये जो साइज 30 साइज के लिए है नेक डिजाइन है। अगर आपका साइज ज़्यादा है तो आप इन बोट नेक में 4 इंच ले लें और इस डाउन में 3 इंच हमको तैयार में चाहिए और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो 3.5 इंच लिया है। तो सेम 3.5 इंच में इसको बॉक्स बना लेते हैं। और इसकी 1.5 इंच की गोलाई दे देते हैं। तो ये तुम्हारा बोट नेक रह गया। अभी जो हम ये पैच लगाने वाले हैं वो मैं 1.5 इंच का ले रही हूँ। तो ये 1.5 1/2 इंच के हम इसमें निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले ये बाहर वाली लाइन कट कर, ये मैंने चिपकाने वाली बुकरम ली है, आप कोई भी बुकरम ले सकते हैं। तो जो भी मैंने ये सलवार का कपड़ा लिया है ये जो हमारी साइन दे रही है यहाँ से हम चिपकाएंगे। तो इसको हम इस तरह से इसको प्रेस से चिपका देंगे सबसे पहले और उसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर देंगे। तो इसमें मैंने गर्म आयरन करके इसको चिपका दिया है। देखिए ये पूरा चिपक गया है, अभी हमको यहाँ पर सिलाई डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको हम कट कर देते हैं, थोड़ा सा रख दें। बताती हूँ यहाँ पे आप जो नेक है हमारा इसको पहले आप सीधा रख लें बुकरम को। और जो वैसे तो हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि कपड़ा हमारा लाइट है, अगर आपका कपड़ा डार्क है तो आप इसको काटने से पहले इस तरह से निशान लगा लें क्योंकि इसको हम अभी कट नहीं करेंगे। ये पैच हमारा तैयार हो जाएगा फिर कुर्ती पर लगा के बाद में इसको कट करेंगे। अभी आपको लेस लगाने का तरीका, तो यहाँ पे जो हमारा बोट नेक है यहाँ पे हम 1/2 इंच लेंगे, 1/2 1/2 इंच में निशान लगा लें। तो इसी तरह मैं सब में निशान लगा लूँगी और उसके बाद जो ये लेस है इसको यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से यहाँ पे। और यहाँ पे तो 1/2 इंच आ रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि नीचे चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो नीचे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। नीचे आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से 1/2 इंच में निशान लगा लें पूरा बोट नेक में। अभी हम इस लेस को यहाँ पे इस तरह से रखते हैं और स्टिच डालना शुरू कर देते हैं। मैंने ये 2 लेस लगाई हैं सेम इसी तरह पूरे नेक डिजाइन में अटैच कर लूंगी। मैंने सभी में लगा लिया है। अभी सेम ड्राफ्ट रख के मैंने ये दूसरा कपड़ा भी इतना चौड़ा कट कर लिया है। अभी हम इसके नीचे फिनिशिंग दे देते हैं। तो जितना आपका बोट नेक है सेम उसी तरह से आप कपड़ा ले लें। अभी मैं यहाँ पर इधर से लेके पूरा नीचे पूरा स्टिचिंग डाल देती हूँ और उसके बाद हम इसको पलट देंगे।
तो देखिए अभी अच्छे से बैठ गया है ये पीस। अभी हम इसको कुर्ती पे अटैच करते हैं। तो देखिए इसमें वैसे सेंटर लाइन खींची हुई है, अगर आपको नहीं खींची है तो पूरा शोल्डर से पूरा सेंटर लाइन ले लें और इस तरह से लंबी लाइन खींच लें, जैसे कि हम जो नेक सेट करेंगे बराबर। और जो नेक का ये पैच है इसको भी आप इस तरह से डबल फोल्ड कर लें बराबर से, और यहाँ पे भी एक सेंटर पॉइंट दे दें, और उसके बाद भी नीचे भी इसमें एक निशान लगा दें उल्टी रखी, और इसके ऊपर मैंने पैच इस तरह से सीधा रख दिया है। तो ये नीचे सीधा पैच आ रहा है और उल्टी कुर्ती आ रही है। तो जो पैच है इसको हम इस तरह से देखिए, ऊपर का सेंटर और जो हमारा चौक से हमने निशान लगाया सेम दोनों एक ही लाइन में आने चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर स्टिचिंग डालते हैं, तो यहाँ से लेके सिर्फ हम ऊपर तक ही स्टिचिंग डालेंगे, पूरा नीचे तक नहीं डालेंगे। और देखिए नीचे भी खुला हुआ है। तो ये जो मैंने मोती वाली लेस ली है, जो कि इसको मैं नेक में भी लगाऊंगी इस तरह से, और सेम जो ये नीचे पार्ट है, तो जो ये हम नीचे ओपन है यहाँ पर भी लगाते हैं। तो हम यहाँ से पहले नीचे स्टार्ट कर देते हैं, और इसके लिए आपको प्रेशर फुटर चेंज करना है। ये हाफ प्रेशर फुटर है, इसी से ये लेस हम लगा सकते हैं। तो ऊपर मैंने सिलाई मार्जिन के लिए प्लेन छोड़ दिया है, जो कि शोल्डर से तो देखिए हमने ये गोटा लेस और बीट लेस की सहायता से कितनी सुंदर नेक डिजाइन बनाकर तैयार कर दी। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी नेक डिजाइन बना सकते हैं कुर्ती या ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।